हम लोग आज करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पहले से कुछ बने हुए हैं। तो बेसिकली इसमें हमें रूल बनाने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ पहले से प्री डिफाइंड रूल्स इन्होंने दे रखे हैं। यह क्या करते हैं, हर एक वर्जन में जो भी फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं तो उनको रूल बना उनके पहले से ही कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए जाते हैं ऊपर ऊपर। अदरवाइज क्लासिक ऑप्शन में क्या आता था आपका, ये न्यू रूल में ये जो बॉक्स आता है 2007 से पहले, तो ये बॉक्स चलता था। ठीक है, इसी के अंदर हम ऑप्शन सिलेक्ट करके लगाते थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लगाने के लिए पहले आपको डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मैंने सेल्स का डेटा ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन। मान लीजिए कि मुझे करना है कि 50 से ग्रेटर जितनी वैल्यूज़ हैं वो हाईलाइट हो जाएं। किस में हाईलाइट हो जाएं, वो हाईलाइट का ऑप्शन आपको यहाँ दिखेंगे कि ये येलो विद डार्क येलो टेक्स्ट, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपको मर्जी से अपनी कोई फॉर्मेट देना है तो कस्टम फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट के ऑप्शन में आप इसमें नंबर फॉर्मेटिंग, फॉन्ट, बॉर्डर और कलर कोई भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कैरेक्टर बोल्ड हो जाए और येलो फिल हो जाए। ठीक है, ओके करूँगा तो ये आपको इस तरह से देखेगा जहाँ पे ये भी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो इसमें आप चाहें तो किसी सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहले इसी को ओके कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे अगर रूल हटाना है, ये वाली आपकी आई थी हाईलाइट सेल रूल में ग्रेटर देन। ठीक है, हाँ ये स्क्रीन आ गई थी। ठीक है, एक बार अप्लाई करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर जैसे आपको हटाना है तो यहाँ पे आपके पास क्लियर रूल का ऑप्शन है, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। एंटायर शीट पूरी शीट से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देगा। अभी मैं सिलेक्टेड सेल हटाता हूँ, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ। ठीक है, कई बार मैं इसमें ये भी चूज कर सकता हूँ कि हाँ जी हाँ जी, जो सिलेक्टेड, जो आपने सिलेक्ट कर रखे हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आप यहाँ पे जो है रेफरेंस भी ले सकते हैं किसी सेल का कि ग्रेटर देन समथिंग लेना है, वो मैं कहाँ से ले लूँ, यहाँ से ले लूँ। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर सेल से भी ले सकते हैं कि उससे बड़ी हुई सारी वैल्यू आपकी हाईलाइट करेगा। ठीक है, इस तरह से सेट कर सकते हैं। पर अगर रियल एनवायरनमेंट में मुझे चाहिए कि जो भी सेल्स मेरी टारगेट से ग्रेटर है, ठीक है, वो हाईलाइट हो जाए, टारगेट अलग अलग दे रखे हैं, तो उस केस में एक वैल्यू तो चाहिए नहीं, मुझे हर एक वैल्यू के सामने वाली वैल्यू चाहिए। तो हर एक सेल पे तो मैं जाके लगाऊंगा नहीं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलग अलग। तो इसी में कैसे करना है आपको, आप जब रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने रेफरेंस सिलेक्ट किया इस टारगेट का, तो डॉलर का यूज आपको पता है, यहाँ टू के आगे वाला डॉलर हटा दूंगा मैं, रो के आगे वाला। अभी क्या कर रहा है, ये सबके लिए 10 टारगेट मान ले रहा है। अगर ये टू के आगे का डॉलर मैंने हटा दिया तो ये अपने सामने वाली सेल को ले लेगा। इसका लॉजिक क्या है, कि जैसे ये लिया मैंने, ये सेल लिया, यहीं पूरा इसके सामने सिलेक्ट किया था ना, इक्वल टू ये लिया मैंने, और ये आपका इस तरह से था डॉलर के, इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन। ठीक है, तो अगर मैं ये फार्मूला ड्रैग करता हूँ, क्या होता है उसमें भी बैकग्राउंड में फार्मूला ड्रैग होता है। ठीक है, तो अगर ये डॉलर है तो डॉलर के वजह से ये वैल्यू फिक्स हो गई है। ठीक है, तो बस मैंने क्या किया, टू के आगे का डॉलर हटाया तो इसने क्या किया, हर एक सेल अपने सामने वाली ले ली। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है वो हर एक सेल पे जाके पेस्ट हुआ है। ठीक है,
उसके बिहाफ पे इसने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दी। ठीक है, तो अब इस केस में, हाँ जी ये तो फॉर्मूला लगा दिया ना, मान लीजिए हाईलाइट करना है, फॉर्मेटिंग करनी है कोई, ठीक है, उसका जो मैं आपको कल प्रोजेक्ट बताऊंगा उसमें अच्छा खासा यूज़ दिखा दूंगा आपको इसका, कल जो मैं प्रोजेक्ट दिखाऊंगा उसमें आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैं दिखा देता हूँ क्या यूज़ दिखाने वाला हूँ मैं। ये आप देख रहे हैं सारा एक कैलेंडर है, यहाँ पर जैसे मैं मंथ चेंज करूँगा हर चीज़ चेंज हो जाएगी, देख रहे हैं 28 दिन आ रहे हैं और यहाँ करा 31 दिन आ रहे हैं, सैटरडे संडे उसी हिसाब से हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे वो बताइए ईमेल आईडी बताइए, मैं वैसे मैं कह भी रहता हूँ उसको, ईमेल आईडी बताइए। ASHI, हाँ ASHI SH, हाँ आशीष तलवा, हाँ 1985, 900 की 1900, 985@gmail.com, ये 985 क्या है आपका, 9 सितंबर 85, ठीक है ठीक है, मैंने भेज दिया। वैसे अगर आपके पास मीटिंग आए, यार सुनता नहीं है। हेलो, हाँ तो फिर मैं ये बता रहा था कि इसमें जैसे लीव भी अपने आप आ रही हैं, तो ये सब कैसे किया जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, इसमें मंथ चेंज के साथ ही आपका सैटरडे संडे सब चेंज हो जाता है, इवन बॉर्डर्स तक भी एडजस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कॉम्बिनेशन है। तो मैं ये बता रहा था, अभी मैंने लास्ट एग्जांपल दिया कि आपका डॉलर का क्या यूज़ होता है इसके अंदर। ठीक है, बेसिकली बैक में एक फार्मूला चलता है इसके। आपके पास यहाँ पे एक और टूल होता है मैनेज रूल का, इससे आप रूल मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रूल लगाना है कोई, एडिट रूल करना है इसी को एडिट, जैसे अगर बात कहें कि टारगेट कब अचीव होता है, व्हेन वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ खाली ग्रेटर देन है, तो एडिट रूल पे जाएंगे और यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू चूज़ कर सकता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ऑप्शन वहाँ नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने के बाद आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, अगर आपका रूल इसमें नहीं दिखा रहा है, अभी क्या है करंट सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के अंदर के दिखाता है, दिस वर्कशीट करेंगे तो इस शीट में जितनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है सारे रूल आ जाएंगे, तो आप सारे रूल्स को यहाँ मैनेज कर सकते हैं कि क्या रूल लगा हुआ है, क्या फॉर्मेट है और किस सेल पे अप्लाई है। ठीक है, कोई भी चीज़ चेंज करके आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं डिलीट रूल कर देता हूँ अप्लाई। ठीक है, तो हमने देखा अभी ग्रेटर देन लेस देन भी इसी तरह से होता है, यहाँ पे भी रेफरेंस ले सकते हैं कि इससे छोटे सारे हाईलाइट हो जाए, बाकी चीज़ें कॉमन ही है, बिटवीन दो नंबर्स के बीच का, यहाँ पे आप रेफरेंसेस भी ले सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू, इक्वल टू किसी नंबर के है। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं कि इक्वल टू संदीप हो जाए इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद है इसमें टेक्स्ट दैट कंटेंस, जो फिल्टर सॉर्टिंग में मैंने कंटेंस का ऑप्शन दिखाया था कि जैसे टेक्स्ट दैट कंटेंस, मैं कहता हूँ जहाँ पे डबल ई हो वो हाईलाइट हो जाए, तो वो हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है डेट अकरिंग, ये आपका डेट्स के लिए होता है, तो डेट अकरिंग में आपके जो इसे फिल्टर में डेट के ऑप्शन थे उसी तरह से इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, यस्टरडे टुडे टुमारो, तो जो भी डेटा उससे रिलेटेड होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वीक दिस वीक लास्ट मंथ दिस मंथ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास इसमें होते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज, अगर इसमें कोई डेट डुप्लीकेट है तो वो हाईलाइट हो जाएगी, यूनिक वो
किसी के लिए भी होता है, जहाँ पे भी डुप्लीकेसी होती है या यूनिक वैल्यू होती है वहाँ पे आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इनको ले लेता हूँ और इसमें देख लेता हूँ कितने डुप्लीकेट 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 डुप्लीकेट, तो ये चीज़ें इसके अंदर डुप्लीकेट आ रही हैं आपके सिलेक्शन में, यूनिक कितनी आ रही हैं वो ये बता देता है, तो कलर कर देगा कि ये एक ही बार है। उसके बाद है आपका टॉप एंड बॉटम रूल्स, ये किस लिए होते हैं ये दिखाता हूँ। टॉप एंड बॉटम रूल्स जैसे फिल्टर में होते हैं टॉप 10 आइटम्स, तो ये 10 आइटम्स 10 या 20 जितना भी मर्जी कर सकते हैं, हाईलाइट का आपको चूज़ करना पड़ेगा कैसे करना है, तो उनको ये हाईलाइट कर देगा। जैसे मैंने 10 आइटम्स को हाईलाइट करने को बोला तो ये हाईएस्ट वाले 10 को आपको करके दिखा देगा, ठीक है। टॉप 10% क्या हो गया, जैसे उसमें था हमारे पास फिल्टर के अंदर 10% का, सेम उसी तरह से है। हाँ सेम, बस ये हाईलाइट करता है। हाँ तो टॉप 10% बॉटम 10 आइटम्स वैसे ही हैं, अबव एवरेज बिलो एवरेज सेम वैसे ही हैं जैसे हमने फिल्टर में देखा था, ठीक है। इसके बाद आते हैं डेटा बार्स पे। डेटा बार्स एक तरह के आपका बार चार्ट क्रिएट करता है विद इन सेल, ठीक है। एक आपका डेटा बार क्रिएट कर देता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उठाएगा, मैक्सिमम मिनिमम के बेस पे एक ग्राफ बना देगा इस तरह से, ठीक है। ये ऑटोमेटिक होता है, क्लियर कर देता हूँ इसको क्लियर रूल में जाके। देन आपका कलर स्केल, अब जैसे कलर स्केल क्या हो गया आपका, ये आपका कलर स्केल है ग्रीन येलो रेड, तो हाईएस्ट के लिए ये डार्क ग्रीन दिखाएगा, फिर फेड होते होते येलो में आएगा जैसे वैल्यू कम होती जा रही है, फिर फेड होते होते रेड में आएगा, तो ये 3 कलर स्केल है, ठीक है। जैसे फेयर एंड लवली में होता है ना कलर स्केल, उसी तरह का। क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। कलर स्केल के बाद हमारे पास है आइकन सेट। आइकन सेट का यूज होता है डेटा को कैटेगराइज करने के लिए, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ 3 आइकन ले ले रहा हूँ, तो इसका मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ कि गुड एवरेज पुअर में दिखा सकता हूँ इनको, ठीक है। तो पर आप इसकी सेटिंग कैसे करोगे कि ये कितने को गुड दिखाए, कितने को बेटर वो पुअर दिखाए, एवरेज दिखाए, तो आप एडिट रूल में जाओगे तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। एक है व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 67% ऑफ व्हाट, 67% ऑफ हाईएस्ट वैल्यू, तो क्या करेगा उसमें ये गुड का साइन दिखा देगा। 67 से 33 के बीच में होगा तो एवरेज का साइन दिखा देगा, बिलो 33 होगा तो क्रॉस का। तो ये नंबर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अगर आपको परसेंटेज में नहीं समझ आता है तो यहाँ पे नंबर है, ठीक है। यहाँ आप नंबर चूज कर सकते हो और सीधे सीधे ये कह सकते हो कि यार 70 या उससे अबव है तो वो गुड में आ रहा है, और 50 से 70 के बीच का जो है वो एवरेज का है, और बिलो 50 जो है वो आपका पुअर है। तो यहाँ से अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंगली आपके साइंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास अलग अलग तरह के आइकॉन हैं, जितने आइकॉन होंगे उतनी कंडीशन लगा सकते हैं, 5-6 उतनी ही तरह की, मतलब उतनी ही कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है आपका न्यू रूल, जो आपके क्लासिक रूल्स थे, अभी मैं इसको उड़ा देता हूँ। हाँ न्यू रूल का बॉक्स है। अब इनमें जो ऑप्शन नहीं है उनको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे अब पहले है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, तो जैसे हमने 3 कलर स्केल देखा था उसी तरह से 2 कलर स्केल है, ठीक है। इसमें लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू अपने आप ले लेता है, आप चाहें तो खुद भी दे सकते हैं लोएस्ट हाईएस्ट यहाँ से नंबर में, ठीक है। कलर कौन सा रहना है,
लोएस्ट वैल्यू के लिए, हाईएस्ट वैल्यू के लिए। वो थ्री कलर स्केल चाहिए तो थ्री कलर स्केल चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा था ग्रीन येलो रेड कलर स्केल, तो कलर अलग अलग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डेटा बार्स देखे थे, अब डेटा बार्स में थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे मुझे क्या दिखाना है, खाली बार दिखाना है, ये वैल्यू नहीं दिखानी, तो ये आपको सिर्फ बार दिखाएगा, वैल्यू होगी पीछे पर उसको इस पे विजिबल नहीं करेगा। ठीक है, इसी में आपके पास ये ऑप्शन है कि बार की डायरेक्शन चेंज करनी है आपने, लेफ़्ट टू राइट चल रही है, राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं, तो ये आपका राइट टू लेफ़्ट चल गया। ठीक है, कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आइकन सेट, यहाँ से आप मैन्युअली आइकन स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक ऑप्शन है कि अगर आपको सिर्फ आइकॉन ही दिखाने हैं तो शो आइकॉन्स ओनली में, तो ये आपको सिर्फ आइकॉन दिखाएगा, वैल्यू नहीं दिखाएगा। अगर आप ज़्यादा आइकॉन्स चूज़ करते हैं, जैसे 5-6 कर दिया मैंने, तो हर एक की अलग अलग कंडीशन दे सकते हैं कि व्हेन वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 80, 80 टू 60 क्या आना है, 60 टू 40 क्या आना है, 40 टू 20, बिलो 20, इस तरह से। चाहे तो इंडिविजुअल आइकॉन अलग अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यह है आपका आइकन सेट। तो ये है हमारे पास फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स। अब वहाँ पे हमारे पास खाली था क्या, कंटेन्स। यहाँ पे क्या है, सेल वैल्यू बिटवीन, बिटवीन वाला हमने देखा था, नॉट बिटवीन, अभी इसके बीच में जो वैल्यू हो उसको छोड़ के। इस केस में क्या होता है, आपको फॉर्मेट जो है आपको मैनुअल देना पड़ता है इसी के ज़रिए। ठीक है, तो नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, यहाँ मिल जाता है। ये तो सेल वैल्यू के बेस पे था। स्पेसिफिक टेक्स्ट, टेक्स्ट वैल्यू है कोई, तो कंटेन्स वाला ऑप्शन देखा था, नॉट कंटेनिंग उसको छोड़ के, बिगनिंग विद, जैसा हमारा फिल्टर में था, बिगनिंग विद, एंडिंग विद, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। देन डेट अकरिंग, ये आपका डेट के लिए था, जो हमने ऊपर अभी ऑप्शन देखे थे वो सारे यहाँ पे हैं। ब्लैंक्स, अगर सेल ब्लैंक्स हो तो क्या फॉर्मेट करना है, जैसे फॉर्मेट में आपने चूज़ कर दिया कि उसको येलो कर दो, रेड कर दो, जो मर्जी कर दो। ठीक है, नो ब्लैंक्स, जहाँ ब्लैंक नहीं है उसको हाईलाइट करना है। एरर, जो आपकी फार्मूला एरर होती है, हैश एन ए डिवाइड बाय ज़ीरो, इस तरह की एरर, उनको हाईलाइट करना है। नो एरर्स, जो एरर फ्री डेटा, जहाँ एरर नहीं है उसको हाईलाइट करना है। तो ये था आपके पास फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स। फिर टॉप और बॉटम वाली वैल्यूज जो देखी थी, टॉप बॉटम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, 10, 20 जो भी करना है आप यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं। टॉप 10 आइटम है तो आप ऐसे ही ओके कर देंगे, 10% है तो परसेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, परसेंट और आइटम में क्या डिफरेंस था कि आइटम जब हम कहते हैं कि टॉप 10 आइटम्स, तो वो 10 रिकॉर्ड्स उठा के लाता है हाईएस्ट वाले। अब 10% ऑफ आइटम जब कहते हैं, तो जैसे 700 रिकॉर्ड है तो 10% कितना हो गया, 70 रिकॉर्ड हाईएस्ट वाले। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। फॉर्मेट ओनली, हाँ इसमें ऑप्शन दे रखा है, ये रहा परसेंटेज का। ठीक है, फॉर्मेट ओनली वैल्यू दैट आर अबव और बिलो एवरेज। अबव और बिलो एवरेज का हमने देखा था, जो एवरेज से अबव है, बिलो है, उधर चूज, इक्वल और अबव, इक्वल और बिलो। फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आते हैं तो उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। यूनिक, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट यूनिक का, सारे ऑप्शन वही हैं। और सबसे पावरफुल और सबसे लास्ट, यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेट। अब जैसा कि मैंने आपको फार्मूला दिखाया था, कि मैंने कहा एक फार्मूला बैकग्राउंड में काम करता है, अगर जितने ऑप्शन मैंने अब तक दिखाए हैं आपका पर्पस नहीं सॉल्व हुआ है, तो आप यहाँ पे एक फार्मूला दे सकते हैं, लॉजिकल फार्मूला, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके, जिसका रिजल्ट ट्रू फॉल्स में आना चाहिए। तो ट्रू आए तो कौन सा फॉर्मेट देना है, वो आपको फॉर्मेट चूज़ करना पड़ता है, फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फार्मूला इज़ ट्रू। अब इसका एक आपको सबसे पहले एक एग्जांपल छोटी चीज़ का देखता हूँ, फिर फार्मूला पे आता हूँ। जैसे कि मान लो कि
यहाँ पे मुझे अटेंडेंस लगानी है, तो पी अगर डालूँ तो मेरा जो कलर आना चाहिए वो आना चाहिए ग्रीन, ए अगर डालूँ एब्सेंट तो उसका जो आना चाहिए वो आना चाहिए रेड, और एल अगर डालूँ तो उसको आना चाहिए ऑरेंज, ठीक है। तो ये कलर इस एरिया में आने चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तीन रूल अलग अलग लगाने पड़ेंगे। सिलेक्ट कर लिया, सीधा चले जाएंगे इक्वल्स टू, पहले पी पे, और यहाँ से कलर चूज़ करेंगे हम, पी पे क्या आना चाहिए ये, ठीक है, एक लगा दिया, और फिर उसके बाद हमने लगाना है, एक कंडीशन लग गई, दोबारा दूसरा लगाएंगे उसी, हाँ जी हलो, हाँ और कंडीशन भी लगा, और कंडीशन मतलब नहीं 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 वो पता क्या, वो लगता है हाँ, पर मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है। और कंडीशन लगाएंगे वो अलग केस में, कल वाले एग्जाम, कल मैं जो एक फाइल बनवाऊँगा उसमें और लगा के दिखाऊँगा आपको, पर फिलहाल दो कंडीशन मतलब हर एक के लिए अलग अलग लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है, इसके लिए ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ए आए तो मतलब सेम सेल पे हम तीन कंडीशन दे देंगे, तीन रूल सेट कर देंगे, ए आए तो मैंने रेड कर देना है, ठीक है, सेम सेल पे, और इक्वल्स टू पे आ गए दोबारा से, एल आए तो ऑरेंज कर देना है। तो मैंने क्या किया, तीन रूल अप्लाई किए, एल आए तो ऑरेंज कर देना है लीव के लिए, तो जब मैं पी डालूंगा ग्रीन हो जाएगा, ए डालूंगा रेड हो जाएगा, एल डालूंगा येलो, कुछ और डालूंगा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह को करने का सबसे बढ़िया तरीका रहता है, अलग अलग कंडीशन लगा दो। मैनेज रूल में अगर आप जाके देखोगे तो तीन कंडीशन दिखेंगी आपको अलग अलग, जो कि सेम पे अप्लाई है। इसमें से जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला पे, जो मैं फॉर्मूला की बात कर रहा था कि अगर ट्रू होता है तो, ठीक है, हाँ जी हाँ जी मैनेज रूल, हाँ जी स्टॉप इफ ट्रू मतलब क्या होगा इसका, कि अभी क्या करता है कि मान लो कि किसी केस में दो कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एल लगा दिया और दोबारा एल लगा दिया, तो पहली भी ट्रू होगी और दूसरी वाली भी ट्रू होगी, है ना। तो क्या है कि इसकी कंडीशन ओवरलैप ना हो जाए, इसलिए स्टॉप इफ ट्रू लगाते हैं कि एक ट्रू हो जाए तो वहीं रुक जाए, नीचे की कंडीशन चेक ही ना करें, ठीक है। उसका मैं बताता हूं, पहले एडवांस कंडीशन पे तो चलते हैं, ठीक है, इसमें आपका काम यहीं तक हो जाएगा, वहां तक जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मॉडल ऐसा है कि आपको उस ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जैसे कि मैं क्या करना चाहता हूं कि ये जो मेरे पास 7 दिन के अलग अलग सेल्स है, अब इसका टोटल मैंने देखा 276 है, इसका क्या है 348, मैं चाह रहा हूं कि जिस अगर इनका टोटल 300 से अबव है तो ये पूरी रो हाईलाइट होनी चाहिए, इतना एरिया हाईलाइट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे टोटल की रो इंसर्ट करना ज़रूरी नहीं है, हम एक फार्मूला बना देंगे। टोटल कौन देगा, सम का फार्मूला देगा, सम का फार्मूला दे दिया। अब ये ग्रेटर देन 300 है कि नहीं, तो वो तो हमारा ऑपरेटर से चेक हो जाएगा कि ग्रेटर देन 300, ठीक है, ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आ रहा है,
ठीक है, तो ट्रू। अब मैंने कहा है कि पूरी रो हाईलाइट होनी चाहिए, मतलब कि ये फॉर्मूला जो आपका आएगा कॉपी होगा और ये पेस्ट होगा हर एक सेल पे, तो इसका जो इफ़ेक्ट आता है वो डॉलर वाला क्या आएगा? अगर मैं मान लो कि इस पे जो इस तरह से पेस्ट करता हूँ, तो पूरी रो हाईलाइट कराने के लिए मुझे पूरी रो में ट्रू आना पड़ेगा। अभी क्या है कि तीन में ट्रू आया, फिर यहाँ फॉल्स आ गया। इसका वैसे सिंपल तरीका ये है कि अगर मैं कॉपी करके इस पे लगा दूँ, ये वाला लो मैंने लगा दिया, न्यू रूल में गया, यूज़ फार्मूला, यहाँ पेस्ट कर दिया, ये फार्मूला एज इट इज़ पेस्ट कर दिया, और यहाँ से मैंने कर दिया कि पिंक हो जाए, ऑरेंज हो जाएगा, ये हो गया। पर क्या आप देख रहे हो ना, यहाँ पे तीन बार ट्रू है, तो यहाँ तीन ही सेल आपकी ऐसी हुई हैं, ठीक है। मतलब रो को हाईलाइट कराने के लिए मुझे पूरा यहाँ तक, मतलब कि इस फॉर्मूला में पूरा यहाँ तक ट्रू लाना पड़ेगा। ट्रू क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ डॉलर आगे, मतलब आगे रेफरेंस ले रहा है, डॉलर नहीं लगाया, ठीक है, रेंज छोड़ दे रहा है ना ये अपनी। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे कॉलम के आगे डॉलर लगाना है, ठीक है। अगर मैं अब इस फॉर्मूले को पेस्ट करता हूँ तो क्या आता है, जहाँ ट्रू है वहाँ ट्रू ही है ना। तो ये फॉर्मूला जो पेस्ट होगा हमारा जाके, वो शुरुआत में पहली सेल पे होगा और हमारे सिलेक्शन में हर जगह ड्रैग होगा वो, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया मैं, न्यू रूल या एडिट रूल में चला जाता हूँ, वो पहले से ही लगा हुआ है फॉर्मूला, बस वो कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला वो पेस्ट कर दिया डॉलर वाला, ओके किया, अप्लाई किया, अब हो गया सही, ठीक है। अब इसकी रेंज बढ़ानी है, H12 तक है, हमें आगे बढ़ानी है। आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इस रेंज को बढ़ा सकते हैं कि यहाँ से पूरा ये ले ले, रेंज किया, फिर अप्लाई कर देंगे, ये अप्लाइड हो जाएगा पूरे में, ठीक है। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, उनको अलग कलर देना चाहता हूँ जो 250 से अबव है, ठीक है। अभी 300 से अबव कलर की है, अब मैं चाहता हूँ कि 250 से अबव के लिए अलग कलर होना चाहिए, 300 से अबव के लिए अलग कलर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये डेटा सिलेक्ट किया, फार्मूला कॉपी कर लिया था, न्यू रूल, यूज़ फार्मूला, यहाँ, और इसको मैंने कर दिया ग्रीन, ठीक है। पर इसमें हुआ क्या, आपने जो उनके लिए कल, हाँ, ओवरराइट हो गया, क्योंकि जो 250 से बड़ी है, जो आपकी 300 से बड़ी है, वो ऑलरेडी 250 से बड़ी है, तो वो भी ट्रू हो रहा है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो रही है, ठीक है ना, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं। तो इस केस में क्या करेंगे कि देखिए, जो सबसे पहले होती है वो सबसे पहले चलती है, तो मैं इसका ना ऊपर कर देता हूँ, ये ऑरेंज वाले को ऊपर कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले ये चेक करेगा कि ये 250 से बड़ी, ये 250 से बड़ी है कि नहीं, ठीक है। अगर 250 से बड़ी है तो फॉर्मेट हो जाएगा, फिर 300 से बड़ी है तो अलग फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 300 से बड़ी वाली जो होगी सबसे पहले वो फॉर्मेट करेगी अगर पहले उसमें आ रहा है, और ये 250 से बड़ी आपकी अलग से वो हो गई। मतलब अगर 300 से बड़ी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 250 से बड़ी हो या ना हो, है ना। तो जो पहले ट्रू होगी वो पहले काम कर जाएगी, अगर ये फॉल्स गई तो यहाँ चली जाएगी। अब देखो, स्टॉप इफ ट्रू मारता हूँ इधर ही, नहीं अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि काम तो सेम ही कर रहा है वो, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट इसी तरह से ही प्रोग्राम रहता है।
पहले यही रूल चलेगा आपका, 300 से बड़ी है कि नहीं, ठीक है। तो पहले चेक करेगा 300 से बड़ी, इसने चेक किया इसको हरे वाले को 300 से बड़ी है कि नहीं, तो 300 से बड़ी इसे ये मिल गई कि 300 से बड़ी है, इसने ग्रीन में कर दिया। नहीं नहीं 300 से बड़ी उल्टा हो रहा है, 300 से बड़ी चेक किया इसको नहीं मिला कि ये 300 से बड़ी नहीं है, तब ये दूसरे पे आया कि अब चेक करो कि क्या ये 250 से बड़ी है, तो 250 से बड़ी है मिल गया, कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आया ये 250 से भी बड़ी है और 300 से भी बड़ी है, पहले कौन सी कंडीशन चली कि 300 से बड़ी है कि नहीं, चल गया कर दिया इसने, अगले वाले को पूछा ही नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका फॉर्मूला बेस लगता है। फॉर्मूला को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए थोड़ा सा आसान उस पर चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ क्या है, एक लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ नाम टाइप कर रहे हैं, आप टाइप कर रहे हैं कि राहुल, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ वाला नाम अगर इधर हो तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाना चाहिए, ठीक है। काउंट इफ का फॉर्मूला तो आता होगा, हाँ। तो मैंने क्या किया, काउंट इफ का फॉर्मूला इसके साथ जोड़ा, मैंने कहा इसको चेक करो इसके अंदर अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो आता है कि नहीं, तो ग्रेटर देन ज़ीरो तब रिटर्न करेगा जब वैल्यू होगी, अदरवाइज ज़ीरो ही रहेगा। तो ट्रू का मतलब है यहाँ पे वैल्यू है और फॉल्स का मतलब है वहाँ पे वैल्यू नहीं है। तो यही फॉर्मूला मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाऊंगा, ठीक है। न्यू रूल, यूज फॉर्मूला, और यहाँ डाला फॉर्मेट, मैं कहता हूँ येलो कर जाए या कुछ और कलर कर जाए, तो जो वैल्यू वहाँ पे होगी, हाँ जी हाँ हाँ नहीं, वैसे भी कर सकते थे हम, ऐसे भी हो जाता है, एक बार देख लेते हैं। मैंने तो क्योंकि ये ना आपके पास ना फॉर्मूला पे डिपेंड करता है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका काउंट इफ का भी बता देता हूँ, वैसे मैं आगे उसको बताऊँगा। जैसे अब मैं यहाँ से चेक करना है मुझे, और ये तो फिर वो नेम डिफाइन करके ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये चल जाता है, ठीक है। पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी देख लेते हैं, ले रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो क्लियर हुआ हम फॉर्मूलाज का यूज कैसे करेंगे, काउंट क्या चीज, हाँ ये एक सेकंड बताता हूँ, एक सेकंड एक मेरा टाइमिंग का तो आपको पता ही, इस महीने तो हो नहीं सकता, नेक्स्ट भी मुझे
हाँ जी, तो मैं काउंटिफ के बारे में बता रहा था। देखिए काउंटिफ का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बेसिकली काउंट करता है ये, जैसे मुझे ये करना है कि ये कितनी बार आया इसमें, इसमें मैं इसी डेटा को कर देता हूँ, ठीक है। तो ये संदीप जो है इस डेटा में कितनी बार लिखा हुआ है, या कोई नंबर कितनी बार है, तो काउंट इफ का फॉर्मूला लगता है आपका, ठीक है। इसमें रेंज वो होगी जिसमें वो ढूंढा जाएगा, जैसे कि ये पूरी रेंज हो गई, ठीक है। क्राइटेरिया वो होगा कि क्या ढूंढना है, किसमें ढूंढना है और क्या ढूंढना है, दो चीज़ें हैं बस, ठीक है। तो ये आपको क्या देता है कि कितनी बार है वो, ठीक है। जैसे अगर ये 3 बार होता, 3 दे देता, समझ आया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको चेक कर लिया कि क्या ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर उसमें कोई ऐसा नाम नहीं होता, जैसे मैं डाल देता हूँ विक्रांत, ये नाम नहीं है तो ये 0 देता, वो इसके अंदर नहीं है। अब मैं इसके अंदर यही चेक कर रहा हूँ कि क्या ये ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब ये उस लिस्ट में नहीं है, ठीक है। और इसमें जो भी ग्रेटर देन 0 होगा वो ट्रू आ गया, और मुझे ट्रू फॉल्स के ही फार्मूला की ज़रूरत है। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैंने क्या लगाया है इधर, ठीक है। हर एक में मैंने वो वैल्यू चेक करा ली है कि ये उसमें है कि नहीं, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, ठीक है। इसको मैंने फॉर्मूला में प्लेस कर दिया, क्या चीज, हाँ, फॉल्स मतलब वो नहीं है उसके अंदर, उस लिस्ट में वो नाम नहीं है, ठीक है। अगर उसके अंदर का कोई भी नाम डालूंगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ट्रू में बदल जाएगा, और ट्रू के बेस पे वो फॉर्मूला हाईलाइट कर देगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सेशन, कल हम लोग इसी पे एक प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ फाइल भी मिल जाएगी, मैं मेल कर देता हूँ, ठीक है जी, ओके बाय। हाँ वीडियो भी मैं अपलोड कर देता हूँ, हाँ जी, फाइल नहीं, फाइल नहीं बनाई मैंने कोई भी, मेरे पास वैसे ही पड़ी है, यूट्यूब पे है पर मैं वैसे यूज़ नहीं करता उसको।